पिछले काफी समय से अनाथों की तरह रहने वाली गीता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी शादी भव्य तरीके से होगी। सरदारपुर तहसील के ग्राम बरमखेड़ी में आनंद सर्विस सोसाइटी के द्वारा संचालित मुख बधिर आश्रम में रहने वाली गीता का विवाह इंदौर के गोविंदा महाजन के साथ संपन्न हुआ। गीता के मुंह भोले भाई ने गीता को गोद लेकर उसकी शादी को बड़े तरीके से कराने का संकल्प लिया था और इस संकल्प के चलते ही गीता ने सात फेरे लिए और उसके भाई का संकल्प पूरा हो गया। इंदौर के युग पुरुष धाम संस्थान में रीति रिवाज से गीता और गोविंदा के विवाह की रस्में पूरी की गई। इस दौरान स्वामी परमानंद युग पुरुष धाम की संचालिका डॉक्टर अनिता शर्मा, तुलसी सदीजा, आनंद सर्विस सोसाइटी के संचालक ज्ञानेंद्र पुरोहित, उनकी पत्नी मोनिका पुरोहित, विपुल भेसोटिया, सर्वन पोरवाल सहित विपुल एवं गोविंदा के परिवार के सदस्य इस विवाह के साक्षी बने और दोनों का विवाह संपन्न कराया गया। बता दें कि गीता 2008 में पुलिस को मिली थी और पुलिस द्वारा इसे आनंद सर्विस सोसाइटी के सुपुर्द किया गया था और यहाँ के संचालक ज्ञानेंद्र पुरोहित ने एक माह की कड़ी मेहनत करने के बाद गीता के परिवार को ढूंढ निकाला था, लेकिन पता चला था कि उसकी माँ बाप की मौत हो चुकी है और परिवार के दूसरे सदस्य उसे रखने को तैयार नहीं थे। तो फिर पुरोहित ने गीता को अपनी बेटी की तरह संस्थान में रखकर उसकी शिक्षा पूरी करवाई और हाई स्कूल तक पढ़ाने के बाद उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई कढ़ाई भी सिखाई ताकि आगे चलकर वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सके और अपना जीवन निर्वाह कर सके। शादी के दौरान गीता को बहुत ही खुश देखा गया। सगाई के बाद से ही गीता काफ़ी खुश थी। विपुल जैसे युवा के इस कार्य की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है कि विपुल ने गीता को अपनी बहन माना और उसकी भव्य तरीके से शादी संपन्न कराई। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.